Hey guys, welcome to our channel In Focus Study. In this video, we will discuss some most important question of BCOE 142. ठीक है, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा आप आंसर कहाँ से अवेल कर सकते हो। देखो ये सब इनके आंसर ना बहुत इजी तरीके से आप वो कर सकते हो, आप बुक्स बाय करते हो फिर कहते हो कि आंसर दो मुझे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आंसर मांगने की। आप बस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है, आंसर मैं आपको बता दूँ कैसे इसकी ईजी ट्रिक क्या है आपको आंसर निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल विथ इट्स फीचर एग्जांपल एंड आल्सो स्टेट इट्स टेक्निक। ठीक है, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है वो क्या होता है, ठीक है, फिर इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं, ये बताना है पहले क्वेश्चन में। अब इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे, ये ना क्वेश्चन यूनिट टू का है। ठीक है, मैंने यूनिट वाइज अरेंज कर रखे हैं क्वेश्चन, आप जैसे जैसे यूनिट वाइज जाते जाओगे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। तो मैं आपको यूनिट टू खोल के दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये मैंने सेकंड यूनिट खोला है, कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये होता क्या है, कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रोसेस इन विच वी फोकस ऑन कंट्रोलिंग द टोटल कॉस्ट टू कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। सिंपली कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, कॉस्ट मतलब कीमत, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। हम कीमत पर नियंत्रण कैसे रखते हैं, जो कॉस्ट होता है उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका यही होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट बाय एनालिसिस। ठीक है, बाय एनालाइजिंग, बाय कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बोल सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट कंट्रोल का डेफिनेशन। और फीचर आप मैंने पूछा था, तो फीचर देखो यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कीप द एक्सपेंसिव विद इन, सॉरी एक्सपेंसेस जो है वो विद इन कंट्रोल। एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल में रखोगे जब भी तो आपका कॉस्ट जो है कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, सो ये फीचर हमें मिल गया। ठीक है, फीचर के बाद एडवांटेज पूछा था हमने, तो एडवांटेज यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये सब एडवांटेज ही हैं, लाइक कॉस्ट कंट्रोल लीड टू इकोनॉमी यूज़ ऑफ रिसोर्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक यूज़ होता है रिसोर्सेज का उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं इसके, आप देख सकते हो एडवांटेज यहाँ पे मिल गया आपको, डिसएडवांटेज मिल गए। फिर टेक्निक पूछा था, तो टेक्निक मिल गया, बजटरी कंट्रोल होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको आंसर्स कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गुड कंट्रोल सिस्टम के, ये तो यहाँ से आपको देखो चार पाँच पॉइंट मिल गए, चारों पॉइंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया ये किसका मीनिंग क्या है और आंसर में पूछा गया था क्वेश्चन में इसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सेम ऐसी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसकी टेक्निक क्या होती है, तो ये भी यूनिट टू में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यूनिट टू में आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देखते हैं एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इजी तरीके से सिंपल लिखा होता है आंसर। कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन देखो, कॉस्ट रिडक्शन की, कॉस्ट रिडक्शन इन सर सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट एंड मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द इंटरप्राइजेस। कॉस्ट रिडक्शन एम्स एट कटिंग ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम कॉस्ट को रिडक्ट करते हैं, कम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या था, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर इसके क्या क्या फीचर होते हैं, सेम एज जो हमने डिस्कस किया था कॉस्ट कंट्रोल में। ठीक है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इसकी टेक्निक क्या क्या होती है। ठीक है, तो सेम आपको आंसर जाने की कहीं जरूरत पड़ी नहीं ना, आपको इसी में मिल गया सारे आंसर, तो आपको इसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पूछा मत करिए कि आंसर दे दो सर, आंसर दे दो। आप थोड़े देखो, आपको भी तो स्टडी करने की जरूरत है ना, आप खुद से फाइंड आउट करोगे, लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट स्टेट्स इज टाइप एंड टेक्निक। ठीक है, तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगा कि कौन से मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप एंड टेक्निक होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एडवांटेज, नेचर, स्कोप। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इसमें बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो क्या रोल परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ सोर्स एंड यूज ऑफ कैपिटल और बोथ, कमेंट करना है इसके ऊपर। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, हाउ फार आर दे यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पर्पस में कैसे यूजफुल होते हैं। राइट अ नोट ऑन नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेचर और लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या होते हैं वो बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेल्स बजट, सेल्स बजट क्या होता है, हाउ
इज इट प्रिपेयर, ठीक है, सेल्स बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो ये थोड़े से मैंने पॉइंट डाल रखे हैं, आप देख लेना फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फिक्स बजट क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, अप्रोक्सीशन बजट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड ओनली फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई आप काम स्टार्ट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा, तो उसके लिए जो बजट बनाते हैं, जैसे मान लो हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप की बजट बनाते हैं ना, तो जो बजट होता है बस ट्रिप के लिए होता है ना, ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए होता है, तो ये होता है अप्रोक्सीशन, ठीक है। तो उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, लाइक ट्रिप की जो बजट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मान लो हम गए वहाँ, हमने कुछ और देख ली, तो हमने बजट तुरंत चेंज कर लिया कि हाँ चेंज कर दो भाई से। बट फिक्स बजट क्या होता है कि जो हम लाइक हमारे घर में होता है कि भाई इतना आना है तो इतना आना है, इतनी पॉकेट मनी मिलेगी तो इतनी पॉकेट मनी मिलेगी, ठीक है। तो घर का मतलब ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, घर का एग्जाम्पल, बजट मत लिखना इसमें, ठीक है। तो ये फिक्स बजट होता है। तो उसके बाद जीरो बेस बजट क्या होता है, सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल प्लान बिगिनिंग विद एन अजम्पशन ऑफ नो एक्टिविटी एंड जस्टिफाइंग ईच प्रोग्राम और एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या क्या एसेंशियल होते हैं, ऑल्सो राइट ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। देखो मैंने ना, मैं चाहता एक एक क्वेश्चन अलग अलग बनाता, लेकिन उससे क्या होगा, लेंथी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, 30-40 मिनट की वीडियो। देखो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कोई शॉर्ट चीज़ें चाहिए थोड़े, ठीक है। तो लंबा वीडियो बना के कोई बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखो करना क्या है, आप मुझे पता है आप भी क्या करोगे, आप जाओगे टेलीग्राम पे, वहाँ PDF मांगोगे, PDF डाउनलोड करके करोगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि 10-10 घंटे की वीडियो देखे, ठीक है। सो इतनी लंबी वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं लोग कि लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं बेनिफिट है उसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्राम बजटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्राम बजट, ठीक है। प्रोग्राम बजटिंग होता है क्या और इसके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 मैंने कवर किया, ठीक है। 3 ब्लॉक कवर किए, 2 ब्लॉक आप आगे देख लेना, ठीक है, वो ब्लॉक मैंने कवर नहीं किए, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम पास में ही है, सो इतना टाइम नहीं था मेरे पास भी, और मेरे भी एग्जाम्स हैं, ठीक है। बट मैंने बना दी वीडियो ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। फिर व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और देखो पहला क्वेश्चन था प्रोग्राम बजटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज ऑब्जेक्टिव एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स में मैंने पॉइंट्स आउट मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हो, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, सेल्स बजट, मटेरियल बजट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ओवरहेड बजट, मास्टर बजट, कैश बजट क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक्टिविटी एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस बजटिंग, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल मिक्स वेरियंस, मटेरियल यूजेस वेरियंस, ठीक है। फिर डिफरेंस वाले कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखे, तो आप देख सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनसे एक दो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आएगा कंफर्म, तो आप देख लेना। जीरो ट्रेडिशनल बजटिंग, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको करके चले जाना, ठीक है। तो हमारी छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, BCOE 142 के लिए, ठीक है। होप सो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेना, ठीक है। पासिंग मार्क्स आप गेन ईजिली कर सकते हो, बाकी क्योंकि मैंने दो मैंने वो कवर नहीं किए, ठीक है, दो ब्लॉक कवर नहीं किए, तो आप दो ब्लॉक कवर कर सकते हो, ठीक है, बुक से, ठीक है। लास्ट के जो टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आप ईजिली कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।